चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जिससे कि आप अपने अनवांटेड हेयर से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपके चेहरे को कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपके चेहरे का रंग भी साफ होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम लोग कई बार थ्रेडिंग कराते हैं, कई बार हम लोग वैक्सिंग भी कराते हैं, परंतु ज़्यादा थ्रेडिंग कराने से हमारी स्किन लूज होने लगती है, हमारे स्किन में ढीलापन आने लगता है, और ज़्यादा यदि हम लोग ब्लीच का भी सहारा लेते हैं तो इससे हमारी त्वचा पर कालापन आने लगता है। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी त्वचा में सॉफ्टनेस बनी रहे, ग्लो बना रहे और आप आसानी से अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सके। एक चम्मच यहाँ पर हम लेंगे नारियल का तेल, ताकि आपकी स्किन पर मॉइस्चर बना रहे। बहुत से पैक ऐसे होते हैं जिससे हमारी त्वचा पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूखापन आ जाता है, इसलिए एक चम्मच कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। अगली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है गेहूँ का आटा, जिससे कि हम लोग रोज़ रोटी बनाते हैं। गेहूँ का आटा हमारे स्किन के अनचाहे बालों के लिए हटाने के लिए बहुत अच्छा पैक बनता है गेहूँ के आटे से। साथ ही हमारी त्वचा को सॉफ्ट बनाता है, हमारे रंग को गोरा करता है गेहूँ का आटा। पहले के लोग क्या करते थे, उपटन में यही तो इस्तेमाल करते थे, बेसन, गेहूँ का आटा, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक तरीके से हमारे चेहरे से डेड सेल को रिमूव करती हैं, और डेड सेल के साथ ही साथ हमारे चेहरे के जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो भी आसानी से हट जाते हैं। अगली चीज़ जो कि लेने वाली हूँ दोस्तों, लेमन, नींबू, आपको आधा नींबू का रस ज़रूर डालना है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीच करने से, बहुत ज़्यादा वैक्सिंग, थ्रेडिंग ये सब कराने से हमारे अनचाहे बाल तो निकल जाते हैं, परंतु वो स्किन हमारी, वो जगह हमारी काली पड़ने लगती है, सांवलापन आने लगता है, कालेपन की समस्या को। साथ ही साथ जो लेमन जूस होता है विटामिन सी से भरपूर होता है, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है नींबू का रस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। गेहूं का आटा लेना है आपको, 2 बड़ा चम्मच भरकर गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो इसे अपने होठों के ऊपर लगाएं, या कई लोगों को पूरे चेहरे पर बाल होते हैं जिसे हम कहते हैं फेशियल हेयर, फेशियल हेयर पर अगर पूरे चेहरे पर लगाना है, फेशियल हेयर को रिमूव करना है, तो इस पैक को थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं। जैसे मैंने लिया है, थोड़ा ज़्यादा गेहूं का आटा लिया है, और आधा नींबू का रस ज़रूर डालें। यदि लेमन जूस आपको सूट नहीं करता है, आप बहुत कम उम्र के हैं या आपकी बेटी के ऊपर लगा रहे हैं लेमन जूस ज़्यादा सूट, थोड़ा सा डालें, 1/4 टीस्पून तो ज़रूर डालें, ताकि आपके चेहरे पर उस जगह पर जहाँ से बाल हटेंगे वहाँ पर कालापन आने ना पाए। 1 चम्मच मैंने नारियल का तेल डाला है। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ दोस्तों कोलेजन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे हमारी त्वचा पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, हमारी त्वचा पर जल्दी रिंकल्स नहीं आते, साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ ही साथ सॉफ्ट बनाता है नारियल का तेल। एक आटा होता है ना, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, वैसे भी आप लोई तैयार कर सकते हैं। इसका पैक मैं 2 तरह से आपको लगाना बताऊंगी। एक पैक ऐसा बताऊंगी जो आपको थोड़ा नरम करना है, सॉफ्ट करना है, लेप की तरह लगाना है। एक पैक ऐसा होना चाहिए जैसे लोई होती ना दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद मतलब 2-3 महीने तक के बच्चे की लोई जरूर की जाती है। अगर वो लोई आप स्टार्टिंग से बच्चे पर करते हैं ना, तो बच्चे के शरीर में बारीक बारीक बाल आते ही नहीं हैं, और ये हमारे यहाँ शुरू से ही की जाती है, बच्चे के पैदा होने के 6-7 दिन से ही शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें, इसे बोलते हैं लोई फिराना। इस लोई को बनाने के लिए मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस लोई को कच्चे दूध के साथ अच्छी तरह से गूंद लेना है, और फिर इस लोई को भी आप फिरा सकते हैं स्टार्टिंग से। शुरू में तो बच्चों के बाल इतने सॉफ्ट होते हैं ना दोस्तों, 2-4 बार भी लोई करने से ये निकल जाते हैं, तो स्टार्टिंग से ही केयर करेंगे तो ये अनचाहे बाल की समस्या होने ही नहीं पाएगी। धीरे धीरे इसे लेना है, दूध डालती जा रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है, ये देखिए इस तरह से पैक। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, 100% नेचुरल है, किसी तरह का कोई केमिकल या साइड इफ़ेक्ट का डर नहीं है। इससे आपके चेहरे का कालापन दूर होगा, आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे। लेमन जूस हमारे चेहरे के निशानों को हटाता है। कच्चा दूध जो डाला है उसमें जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करता है। ये देखें, सभी एज ग्रुप वाले इस पैक को लगा सकते हैं। यदि होठों के ऊपर काले काले बाल हैं तो केवल होठों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, यदि पूरे चेहरे पर है तो पूरे चेहरे पर लगाएं और भी अच्छा रहेगा।
15 मिनट तक इसे हल्का सा सूखने दें, इसे बहुत पतला करके नहीं लगाना है। और 15 मिनट बाद इसे बालों के उल्टी डायरेक्शन में मसाज करते हुए आपको निकालना है। धीरे धीरे ही बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी, बालों का उगना बंद होगा और अनचाहे बालों से छुटकारा मिलेगा। यदि कुछ बाल रह भी जाते हैं तो इस पैक को आप 4-5 दिन बाद वापस रिपीट करें, आप इसे फिर से लगाएं। थोड़े दिन बालों की केयर करके देखें, अपने चेहरे की स्किन की, आप देखेंगे आपके जो बाल हैं ना उनकी ग्रोथ धीरे धीरे ही कम होगी। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें दोस्तों। लोग तो आजकल चेहरे पर शेव भी करने लगे हैं, रेज़र आने लगे हैं, स्पेशल लेडीज़ रेज़र जो होते हैं वो आने लगे हैं, जो कि पूरे चेहरे को ख़राब कर देते हैं, हमारे चेहरे की सारी स्किन को भी निकाल देते हैं और इतना साइड इफ़ेक्ट होता है। जितना हो सके मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि लंबे समय तक आपकी त्वचा हेल्दी रहे और आप लोग जवां बने रहें। देखिए तो आप खुद देखकर समझ गए होंगे इसके टेक्सचर को, इस तरह का लेप सा लगाना है आपको। 15 मिनट बाद जब हल्का सा इसमें मॉइस्चर रहे, ऐसा नहीं कि एकदम आपने सुखा दिया, हल्की सी इसमें नमी रहे, तब इसे रगड़ते हुए आपको निकालना है। 100% वर्क करने वाली रेमेडी शेयर की है, नारियल का तेल डाला है जो कि आपके स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, आपकी त्वचा को सूखने नहीं देगा और आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। ये देखें जब हल्की सी नमी है तब मेरी बेटी इसे नीचे से ऊपर की ओर मसाज करते निकाल रही है। जो भी होठों के ऊपर बाल होंगे ना, छोटे छोटे रोएं, वो सारे निकल जाते हैं और उस जगह पर कभी भी कालापन नहीं आएगा, उस जगह पर कभी भी सूखापन नहीं आएगा। इस पैक को पूरे चेहरे, गर्दन पर लगाएं, आप अपने हाथ पैरों की त्वचा पर भी इस पैक को लगा सकते हैं। हमारे चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए चेहरे पर जब भी कुछ लगाएं सोच कर लगाएं कि इसमें कुछ नुकसान की चीज़ तो नहीं है। और इसमें तो आपने देख ही लिया, मैंने गेहूं का आटा, नारियल तेल, कच्चा दूध, सारी हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल किया। ये है लोई दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इस लोई को तैयार किया है। बस इसके आटे को मैंने टाइट गूंदा है, रोटी का आटा होता ना, रोटी पराठे का, बिल्कुल वैसी। और इस तरह से लोई हमारे यहाँ फिराई जाती है बच्चों को, पूरे शरीर में, हाथ पैर पीठ पेट, ऐसे इस तरह से लोई लेते जाते हैं और हल्के हाथों से दबाते हैं और खींचते जाते हैं, ऊपर उठाते जाते हैं। इससे छोटे छोटे रोए होते हैं ना वो आटे में चिपक जाते हैं, फिर इस लोई को फेंक दिया जाता है। ऐसी प्रोसेस रोज़ की जाती है, महीना भर तक हमारे यहाँ छोटे बच्चे को लोई फिराई जाती है। तो शुरू से ही हाथ पैरों में बाल नहीं होते, इससे आगे चलकर अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती। तो शुरू से ही केयर करें और अभी भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं